For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamualaikum, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अवासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से बहुत खौफ और हरास फैला हुआ है। कोरोना वायरस के मुताबिक कुछ बेसिक बातें मैं आज बताना चाहूंगा। हम सबको इस वक्त इंतहाई ज्यादा जरूरत है कि हम कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ तमाम हिफाजती इकदाम करें। इस वक्त खास तौर पर बच्चों को घर से कम बाहर निकालें। स्कूल कॉलेजेस वैसे ही बंद हो गए हैं। मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, किसी भी ऐसी जगह जहां रश है वहां जाना अवॉइड करें। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि आपके घर जो लोग आ रहे हैं उन पे भी आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। खुसूसन बच्चों के हवाले से, बच्चों के साथ कौन कौन इंटरेक्शन कर रहा है। अगर कारी साहब आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए उनको भी छुट्टियां दे दें। अगर बच्चे का केयर टेकर कोई मेड है तो मेड पे नजर रखें कि मेड को नजला जुकाम खांसी तो नहीं है, या मेड के साथ जो लोग घर में रह रहे हैं उसके अपने, अगर वो अपने घर से आती है तो उसके घर में कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया हो या किसी को नजला जुकाम खांसी हुआ हो। उसके बाद अगर कोई ड्राइवर है, घर का कोई और मुलाजिम है, उस पर भी आपने देखना है उसको कि उसको कोई साइन सिम्टम तो नहीं है। अगर उसको कोई नजला जुकाम खांसी है तो आप उसको आइसोलेट कर दें। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। आज अगर मैं वायरस कैच करता हूं तो 14 दिन बाद मुझे साइन सिम्टम्स आएंगे, यानी खांसी, नजला जुकाम, बुखार होगा। लिहाजा अगर किसी भी मरीज का कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उस मरीज के साथ जितने लोग मुंसलिक रहे हैं, भले वो उसके घर वाले हैं या उसके साथ डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, या अगर उसने किसी गाड़ी में सफर किया है उसके साथ जिन लोगों ने सफर किया है और वो अनप्रोटेक्टेड हैं, तो उन सबको 14 दिन के लिए आपको आइसोलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोबेबल केस हो गए। प्रोबेबल केस को 14 दिन आइसोलेशन में रखना इसलिए जरूरी है कि अगर वो 14 दिन आइसोलेशन में नहीं रहेगा तो वो आगे स्प्रेड करेगा। उसके बाद बहुत से लोग आ रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को ला रहे हैं, डॉक्टर साहब बच्चों को देखें नजला जुकाम है कि कोरोना तो नहीं है, टेस्ट करें। हर मरीज को कोरोना के टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बच्चे के साथ इन कांटेक्ट रहा है, जो कि बाहर से आया है, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है, या जिसके अंदर कोरोना पॉजिटिव आया है, फिर तो आपने लाजमी बच्चों का, बड़ों का, जिसको भी उसके इर्द गिर्द वाले हैं, सस्पेक्टेड हैं, उनका कोरोना का टेस्ट कराना है। अदरवाइज हर नजले जुकाम के लिए कोरोना के टेस्ट की जरूरत नहीं है। फिर वालदेन पूछ रहे हैं कि इब्तदाई अलामात क्या हैं, तो खुश खांसी और बुखार इब्तदाई अलामात हैं कोरोना की। इसके अलावा फ्लू भी हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। उसके बाद बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें मास्क नहीं मिल रहा, तो मैं उन्हें यह कहना चाहूँगा कि आप अगर मास्क, इस तरह का मास्क नहीं है तो एक कपड़े वाले मास्क भी हैं जो अक्सर लोगों ने सर्दियों से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए लगाए होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर पे मास्क खुद भी बना सकते हैं, मैं एक दूसरी वीडियो में मास्क बनाने का तरीका सिखा दूंगा। अगर वो भी नहीं हो सकता तो रुमाल से काम ले सकते हैं, रुमाल लेके आप उसे बांध सकते हैं। ख्वातीन दुपट्टे से जिस तरह नकाब किया जाता है उस तरह अपने आप को ढांप सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ एकदम लोग हैं, रश है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आप कपड़े से, टिश्यू से, किसी चीज़ से अपने मुँह को ढांप लें। रश वाली जगहों पर ज़्यादा मास्क की ज़रूरत है, हर जगह मास्क की ज़रूरत है। कमरे में बैठे हैं, अकेले अपना काम करें, मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजर के हवाले से लोग कह रहे हैं कि जी हमें सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, तो आप साबुन रख लें अपनी पॉकेट में, छोटे साइज का साबुन रख लें अपने उसके कवर के साथ, जहां मौका मिले आप वॉश करते रहें। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस वॉश कर लें, कहीं और जा रहे हैं हाथ बार बार धोते रहें। खवातीन जो घरों में कपड़े धो रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कपड़ों को अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ धोएं और गर्म
तेज धूप में उनको सुखाएं। कोशिश करें डेली कपड़े चेंज करें, डेली कपड़ों को धो दें, बाहर कम से कम निकलें, ज्यादा टाइम घर पे गुजारें, कम से कम लोग अगर मार्केट में जाना है तो कम से कम शॉपिंग ये वो सब कैंसिल करें, जरूरत का सामान खरीदें, एक बंदा जाए वो भी मास्क पहन के बाहर जाए, बेहतर है कि जो कपड़े पहन के वो बाहर जाए वापस घर से बाहर वो जो है या घर के अंदर किसी एक जगह पे वो कपड़े उतार के अलग रख दे, वही कपड़े पहन के घर में पूरे घर में ना फिरे। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि बाकी मुल्कों में सब कुछ हो चुका है, हमारे यहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। सो मैं समझता हूँ चाइना और इटली से ज्यादा जोर देना चाहिए प्रिवेंशन पे। उसके बाद किसी को भी नजला जुकाम खांसी घर में होती है उसको आप नीम गर्म पानी का, बेशक वो आम नजला जुकाम खांसी है, आप उसको अज्यूम करें कि उतनी ही केयर करने जितनी ये कोरोना के मरीज ही करते हैं। आप उस बंदे को बच्चे को या बड़े को आइसोलेट करते हैं, घर में एक अलग कमरा देते हैं, आम नजला जुकाम भी अगर उसको हो रहा है तो उसका साबुन तौलिया बिस्तर कमरा अलग रख दें, नीम गर्म पानी से उसे कहें कि वो बार बार पिए बार बार पिए, घर के अंदर ही धूप भी लगवाए, अपने आप को गर्म रखे। अगर कॉन्टैक्ट ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है या ऐसे बंदे के साथ कॉन्टैक्ट है जिसने रिसेंटली ट्रैवल किया है या जिसे कोरोना पॉजिटिव आया है तो फिर आप उस मरीज का भी टेस्ट करवाएं। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 98% लोग कोरोना से रिकवर कर जाते हैं, सिर्फ 2% लोग हैं जिनमें डेथ्स रिपोर्ट होती हैं। एक्सट्रीम ऑफ एजेस ज्यादा वल्नरेबल है, बूढ़े जो लोग हैं उनमें भी ज्यादा खतरा है और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें भी ज्यादा खतरा है। अब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको कौन संभालता है, माँ संभालती है, तो माँ का कॉन्टैक्ट कम होना टू द कोरोना और टू द सस्पेक्टेड कोरोना बहुत जरूरी है। माँ गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले, माँ को अगर नजला जुकाम होता है तो बच्चा घर के किसी और बंदे के हवाले, प्रेफरेबली बाप के हवाले करे कि वो उसको लुक आफ्टर करे, उसको खिलाए पिलाए चेंज करे। माँ ने खाना पकाना है वो खाना पूरे घर वालों ने खाना है, अगर माँ को नजला जुकाम होती है तो माँ पूरी तरह से अपने आप को कवर करके जो है वो घर के काम करे, बर्तनों को डील करे, और प्रेफरेबल तो यह है कि खाना पकाने की जिम्मेदारी कुछ जब तक माँ ठीक नहीं होती कोई और संभाल ले, क्योंकि किचन में जब माँ जाएगी नजले जुकाम खांसी के साथ तो वो स्प्रेड होगा बर्तनों में और बर्तनों से सारे घर वालों को जाएगा। फिर आप ऐसी जगह पे जाने पे बहुत अवॉइड करें जहां रश जाता है, बसेस के अंदर, स्टेशन पे, मॉल्स में कम से कम मजबूरी के वक्त जाएं और वो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके जाएं। उसके बाद बच्चों में विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो मैं चाहूंगा कि तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों को विटामिन सी और जिंक दे दें, उससे इम्यूनिटी बेहतर होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोरोना वो कैच भी करते हैं तो कोरोना से फाइट करने की ताकत आएगी उनके अंदर। बच्चों को ठंडी चीजों से बचाएं, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल बंद करते हैं, ठीक है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, बार बार पीते रहें, और अगर किसी को नजला जुकाम खांसी होती है तो वो गले को खुश्क ना होने दे। उसके बाद अगर फर्ज करें इससे अगली स्टेज आती है यानी कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उस बंदे को जो कोरोना का डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है जहां कोरोना के मरीज रखे जा रहे हैं वहां पहुंचाना है, उसको घर में नहीं रखना, वहां स्पेशल तरीकों से उसका इलाज किया जाएगा, आइसोलेशन में रखा जाएगा, स्पेशल तरीकों से इसके टेस्ट होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पर नजर रखी जाएगी। कोरोना का मरीज अगर उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो जो उसके बाकी सिस्टम्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, सब चीज़ें सही काम करते रहें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में वो ना जाए तो वो रिकवर कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हर कोरोना के मरीज़ जो
जो है वो सीरियस नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि टेस्ट कैसे करते हैं, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो इसमें एक स्पेशल किट होती है, उसमें स्टिक्स होती हैं, उन स्टिक्स से नेजोफ्रेंजियल स्वैब और ओरोफ्रेंजियल स्वैब लिया जाता है। एक स्वैब लेते हैं गले से और एक स्वैब लेते हैं नाक से, उसको फिर लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। उम्मीद है आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक काफी सारी बातें बेहतर अंदाज में समझ आ गई होंगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।